हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विपाक्षी घोष, और जो लोग मुझसे नए जुड़े हुए हैं, इस चैनल पे मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एंड ऑकल्ट के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखाती हूँ, टैरो कार्ड एंड एंजल रीडिंग करती हूँ और स्पेल सिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं काफ़ी ऑफ एंड ऑन रही हूँ अपने वीडियोस में ड्यू टू सम क्लाइंट डिलीवरेबल्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि बहुत रेगुलरली मैं आप लोगों के लिए न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ पाऊँ जो आपके लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाने में मदद करें। ऐसे ही आज एक मैजिकल चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ जो इंडिया में काफ़ी ईजिली अवेलेबल है, हाउएवर इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी कम लोग जानते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ पाइन कोन के बारे में। पाइन ट्री जो शिमला मनाली कश्मीर में एबंडेंट अवेलेबल है, और पाइन की जो सीड्स है, जो कोन है, वो ऐसे ही गिरा हुआ रहता है। हाउएवर इसकी जो स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है, अगर आप उसके बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा आज तक मैंने इसको घर में क्यों नहीं रखा। इससे पहले कि हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें, चलिए जानते हैं पाइन ट्री के बारे में थोड़ा सा। पाइन ट्री एक इकलौता ऐसा ट्री है, चाहे वो बर्फीला विंटर्स हो, एकदम ड्राई सीजन हो, या कैसा भी वेदर हो, ये ट्री कभी मरती नहीं है। ये इन सारी टफ़ वेदर कंडीशंस को झेल के दोबारा अपने आप को रीजेनरेट करती है। पाइन ट्री की उम्र काफ़ी लंबी होती है। पाइन कोन्स जो है, इनको स्पिरिचुअलिटी में हमारे पीनियल ग्लैंड के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि जो पाइन कोन है उस वो जो स्पेसिफिकली वाइट पाइन कोन है, वो सनलाइट में खुल जाता है और डार्कनेस में क्लोज हो जाता है। जैसे कि हमारा पीनियल ग्लैंड जो है, जो हमारी थर्ड आई है, वो विजडम के लाइट से खुलता है और अज्ञानता इग्नोरेंस के डार्कनेस से वो बंद हो जाता है। इट हैज़ बीन क्लोजली रिलेटेड विथ द पीनियल ग्लैंड। ऐसा मैजिकल प्लांट है ये। अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है और आप अपने घर में इसको कैसे रख सकते हैं। पहला बेनिफिट, जैसे कि मैंने बताया, पाइन ट्री की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी तरीके के वेदर कंडीशंस को झेल सकते हैं, अपने आप को रीजेनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे लाइफ में कई बार ऐसे फेज आते हैं जहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे होते हैं। एक फेज ख़त्म हो रहा होता है, दूसरा फेज शुरू हो रहा होता है हमारे लाइफ में, एंड ट्रस्ट मी, ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होता है। ये काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाना पड़ता है, काफ़ी इमोशनल इम्बैलेंसेस आते हैं, काफ़ी फिजिकल ट्रॉमा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर वेरी इजी। पाइन ट्री या पाइन कोन को अपने घर में रखने से आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, लेकिन वो फेस इजीली ओवरकम हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी जॉब में हैं और आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही है, आपको नया जॉब लेना है या फिर आपको प्रमोशन चाहिए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, ये डेफिनेटली इजी नहीं है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ब्रेकअप हो चुका है और आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में और आप कर नहीं पा रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज इमोशनली और फिजिकली काफ़ी ट्रॉमेटाइज करते हैं लोगों को। पाइन कोन घर में रहने से ये ट्रांसफॉर्मेशन ईजिली आप ओवरकम कर सकते हो। क्योंकि पाइन ट्री की लाइफ बहुत लंबी है, इसलिए चाइना और जापान में कहा जाता है कि पाइन कोन को घर में रखने से आपकी बीमारियां दूर होती है और आपको लॉन्ग लाइफ का ब्लेसिंग मिलता है। हमारे कल्चर में पाइन कोन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इवन काफ़ी यज्ञ में पाइन कोन को यूज़ भी किया जाता है। अगर आप पाइन कोन को अपने दरवाजे के दोनों तरफ हैंग कर देंगे तो ईवल आई, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव स्पिरिट्स आपके घर से दूर रहेंगे। अगर आप अपने पाइन कोन को अपने ऑल्टर में, अपने भगवान की जगह पे रखते हैं, तो ये आपको एबंडेंस क्रिएट करके देता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज लेके आता है।
अगर आप एक पाइन कोन को अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में हैंग कर दे, ये आपको आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू रास्ता दिखाते हैं। जैसे पाइन ट्री, मैंने पहले ही बताया, हर वेदर कंडीशन को क्रॉस करके अपने आप को रीजनरेट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में तो हेल्प करते ही है, देन इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। इसको घर में रखना काफ़ी लकी माना जाता है। इवन कंट्रीज लाइक US, जो हमारे ग्रीस, रोम, इन सब कल्चर्स में पाइन कोन को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि इनको एक लकी हर्ब की तरह माना जाता है और काफ़ी स्पिरिचुअल सेरेमनीज में पाइन कोन को यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी इजीली अवेलेबल है इंडिया में, अमेजोन जैसे साइट में तो ये मिल ही जाता है। जो हिल स्टेशन एरियाज है लाइक शिमला, मनाली एंड कश्मीर, वहाँ पे पाइन ट्रीज अवेलेबल है, वहाँ पे ये कोन्स मिलते हैं। तो इसके मैजिकल प्रॉपर्टीज़ को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए और अपने घर में पाइन कोन ज़रूर रखिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है, इनके बारे में जानना पसंद है, अपने लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाना पसंद है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपके साथ एक न्यू वीडियो में, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, एंजल्स ब्लेस यू।